नीरज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। नीरज, आपसे ये पूछना था, ये जो जब थर्ड राउंड में अरशद नदीम ने 87.82 फेंका था, तो जी आप उस टाइम पे 88.17 ऑलरेडी सेकेंड राउंड में थ्रो किया था, उस जी टाइम पे आपको क्या थोड़ा प्रेशर लगा क्या कि शायद मुझे एक बड़ा और थ्रो चाहिए होगा, क्योंकि नदीम क्वालिफाइंग में भी लास्ट राउंड में एक बड़ा थ्रो मारा था, और आप भी बता रहे थे कि आपका मन में थोड़ा पूरा अडक्टर मसल का शायद या स्ट्रेन का थोड़ा मन जी में वो भी था, तो उस थर्ड राउंड के बाद बताइए कि आपका क्या विचार था। और नहीं बिल्कुल जी, वो अगर साथ वाले कॉम्पिटिटर्स अच्छा करते हैं तो वो तो होता ही है कि हमको पुश करना, लेकिन मैं क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद कुछ खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता ही है कि हाँ, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक में या स्पीड में, और फिर प्रॉपर, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड में ही पूरा हमको पुश करना ही पड़ता है, बार बार हम करना पड़ता है, और फिर अंदर थ्रो भी काफी अच्छी थी उस दिन तो, और रिकवरी का टाइम एक दिन था बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे रिकवर करके हम वापसी करते हैं और फिर फाइनल में उस तरीके से कम्पीट करते हैं। तो हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूँ कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है। पर यह कि हाँ, अडक्टर के साथ वो थोड़ा सा ध्यान में, वो भी इतना ही रखना पड़ रहा था और थ्रो की तरफ भी इतना ही फोकस रखना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा उस चीज में गड़बड़ हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।